मैं आपको बता दूं बैंकॉक टूर के लिए खर्चा कितना हो सकता है, एजेंट के थ्रू अगर कोई आना चाहेगा तो कितना खर्चा हो सकता है? 40,000 आपका 40 लगा ना, वो घुमाता कहाँ है, तो सीधे यहाँ लाओ, उसको होटल में रहो, खाओ अपना जितना देखना दे। देखो भाई, भाई मतलब एजेंट के थ्रू आए हैं, बहुत लोग आते हैं और एजेंट के थ्रू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, आई होप सब अच्छे हैं। भाई मैं अब चलता हूँ यहाँ से ऑंग ऑंग कैनल, नहीं समझ में आया कुछ ना, एंग ऑंग कैनल, ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, चलते हैं जाके दिखाएंगे तब समझ में आएगा क्या चीज़ है। ठीक है भाई, तो मैं पार्क में अभी हूँ, पार्क से बाहर जा रहा हूँ भाई, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मैं चलता हूँ इस रोड पे। गाइस मैं पहुँच चुका हूँ ऑंग ऑंग कैनल के पास भाई, यहाँ आ चुका हूँ, बट भाई यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है भाई, ये आपका देख सकते हम, ये आपका कैनल बना हुआ है, ठीक है भाई, बट यहाँ पे भाई आपका जो नाव होता है, नाव नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कुछ लाइट्स वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन नाव नहीं है, नाव होता तो भाई यहाँ पे नाव चलता, ठीक है भाई, इधर थोड़ा हम सवारी करते नाव में, ठीक है, बट एक नाव इधर रखा हुआ भाई, लेकिन चल नहीं रहा है, लाइट जलना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, अब लाइट लगा रखा है, ठीक है, मेरे को लगता है शायद हो सकता है, देखता हूँ बोट यहाँ पे, आगे चलता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे देखता हूँ जाके। गाइस मैं अपना फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच चुका हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका ये रिवर है, आपका कैनल है, ये आप देख सकते हैं, दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन भाई इसमें नाव नहीं है, ठीक है, नाव रहता ना तो मज़ा आता भाई, ऐसा कुछ है। अभी क्लोज है ये, ठीक है, अभी भाई मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज ही क्लोज हो गया, लेट हो गया या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं भाई, ठीक है, मतलब कुछ दिन से हम लोग बंद ही है ये, ठीक है, तब यहाँ से भाई स्टार्ट होता, यहाँ से आदमी चढ़ता। पूरा घेर के रखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि कोई गिर ना जाए इसलिए। तो गाइस मैं अभी यहाँ से हॉस्टल चलता हूँ अपना भाई, ठीक है, यहाँ से 2.3 किलोमीटर डिस्टेंस है भाई, अब मेरे को नींद नींद लग रहा है, ठीक है, देखता हूँ मतलब कल मैं निकल जाऊँगा तो क्या करूँ, मतलब नाइट लाइफ रात में जाऊँ या नहीं जाऊँ सोचना पड़ेगा, सुबह 7 बजे से बस स्टार्ट हो जाती है तो सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा भाई, ठीक है, यहाँ से आपका पटाया तो डिस्टेंस होगा आपको, अच्छा वो अलग ब्लॉग बताएंगे आपको भाई, इसमें सब कुछ नहीं बताना है, पटाया का ब्लॉग देखोगे, ठीक है, बैंकॉक टू पटाया बाय बस तो देख लेना, ठीक है, मैं चलता हूँ गाइस अभी यहाँ से। ट्रांसपोर्ट है इधर, ट्रांसपोर्ट में जो माल निकलता है, ठीक है, उतरता है यहाँ पे, उतरने के बाद यहाँ पे जो मैनेजर होगा वो लड़की लोग होगी भाई, ठीक है, सब लेडीज़ लोग है भाई, गर्ल्स लोग, ठीक है, यही लोग लड़की लोग ही अपना मतलब मैनेजर करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे, मैं एक ही नहीं भाई, बहुत सारा जितना मैं देखा 7-8 ट्रांसपोर्ट देखा मैंने, सब में भाई लड़की ही है, यही लोग बिल बना रहा है, भाई बिल दे रहा है, माल उतरवा रहा है, सब कुछ वही लोग कर रही है, ठीक है। गाइस यहाँ पे एक स्टोर है 7-11 स्टोर, अंदर चलता हूँ मैं, यहाँ पे अंदर जाकर कुछ लेता हूँ खाने का भाई, बिस्किट केक जो भी मिले। कैसे ब्रेड ले लिया मैंने, ये भाई 25 रुपया पड़ा। भाई यहाँ पे अंग्रेज सब है, ठीक है, यहाँ पे और प्रोजेक्टर एक लगा रखा है और यहाँ बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कब क्या हुआ था, मतलब कैसे क्या है बैंकॉक में, ठीक है, ये बता रहा है। और भाई आपको बैंकॉक में मुस्लिम भी दिखेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेंगे, दिखेंगे, बट अलग साइड एक है, ठीक है, हम गए थे इधर भाई, बहुत शहर है, ठीक है, बहुत बड़ा आदम आपका मतलब, और आपका बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है इधर भाई, मुस्लिम एरिया था इधर, ठीक है, तो चल रहा हूँ मैं अभी भाई, पैदल क्रॉस करने के लिए इसे बनाया हुआ है, ठीक है, लाइन रेड कलर का देखे, व्हाइट व्हाइट में यहाँ पे लाइट जल रहा है रेड कलर, जैसे ग्रीन चलना स्टार्ट होगा भाई तब आप पैदल जा सकते हो यहाँ से, गाड़ी उस टाइम आपका क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है भाई, अगर यहाँ गाड़ी क्रॉस कम है अभी मतलब तब क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। पूरा पेड़ है भाई, इसमें लाइट लगा रखा है भाई, अभी तक आपका रेड रेडी है, ग्रीन नहीं है, पैदल चलने का अभी नहीं है, बट कोई नहीं है, ठीक है, खाली रोड तब पैदल आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। गाइस अभी 7 बज रहे हैं और मैं भाई रिटर्न आ गया अपने हॉस्टल में भाई, तो मैं बैठा हुआ हूँ और एक भाई जो है आपका बिहार का, मैंने बताया भाई, ये भाई भी है, उनसे थोड़ा बात कर रहे हैं हम, ठीक है, और भाई बैठा हुआ हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है, सबसे मेरा मूड खराब हो रहा है ये चीज़ जो भाई ले लिया, पता है कि खरीदना पड़ा मेरे को 650 रुपये में, ये 50 हटिया में कितना मिलेगा, 35 टका, 35 टका बहुत है,
35 का बहुत है भाई, लेकिन 650 में लेना पड़ा हमको। कोई लेकर मतलब रूम पहुँचने के लिए तो 12 रुपये में देंगे उसको हम, ठीक है भाई। ये प्रॉब्लम है, क्यों लेना पड़ा पता है? ये मैंने फटा हुआ पेंट इसलिए, एक टेम्पल जाना था इसलिए, ठीक है। चला फालतू में भाई, ये अब मेरा हॉस्टल है, ठीक है। मैं यहाँ पे सामने में बैठा हुआ हूँ भाई। भाई क्या बोलते हैं, संतोष मेरा आज जो मतलब है यहाँ साथ में, तो आज पता चला मेरे को, ठीक है भाई, मतलब एजेंट के थ्रू आए हैं, जो कि आप मेरे को बता दो, मैं आपको बता दूँ बैंकॉक टूर के लिए खर्चा कितना हो सकता है, ठीक है। वो भाई आपके ऊपर है, ठीक है। 50,000 करो, 1,00,000 करो, 1.5 लाख करो, कुछ भी करो, है कि नहीं? 2 लाख भी हो जाएगा, लेकिन एजेंट का कितना, एजेंट के थ्रू कोई आना चाहेगा तो कितना खर्चा हो सकता है? 40,000 आपका? 40 लगाना। वो घुमाता कहाँ है, वो तो सीधे यहाँ लाभ छोड़ेगा, होटल में रहो, खाओ, अपना जितना देखना है। देखो भाई, भाई मतलब एजेंट के थ्रू आए हैं, बहुत लोग आते हैं और एजेंट के थ्रू, ठीक है। तो होता क्या इसमें, देखो भाई, एजेंट के थ्रू आएगा ना, तो इसमें आपका होटल खर्चा और आपका आने जाने का फ्लाइट 40,000 लिया ना। अब बात क्या है, घुमा देगा आपको, मतलब टूर कराएगा बैंकॉक के अंदर, लेकिन भाई ऐसा कुछ इसको फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है, ठीक है। और परेशान भी है भाई, इनको मतलब कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, कांटेक्ट कर भी नहीं रहा है, ठीक है। होटल में बुकिंग इसका कराया भी नहीं, खुद से अपना पैसा देके कराया हो क्या आप? ये बोला पैसा भी देता हूँ, ठीक है। तो खैर भाई, ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई 40,000 देने के बाद भी इसको मतलब इतना फर्क, फायदा नहीं बुझा रहा है। तो मेरे भाई पूछ रहा है कि मतलब रिटर्न टिकट कब का है, मतलब इसका कब है रिटर्न टिकट? भाई क्या रिटर्न टिकट 21 को है। ये भाई मेरे को पूछ रहे हैं कि अभी अगर हम घर जाना चाहें कितना पड़ेगा पैसा मेरे को, तो मैं फ्लाइट चेक करा था इनका, तो आपका ये 8 तारीख 9 तारीख को आपका 18-19 को आपका 9,500 का रेट है भाई। अब 20 तारीख को पड़ जाएगा आपका 10,500-11,000-12,000 सिर्फ जाने का भाई। तो बोलते हैं भाई, बोलते हैं देखते हैं, रिटर्न टिकट करा लेंगे जैसा। अगर आप मतलब एयरपोर्ट से उतरते हो, डॉनमार्क एयरपोर्ट है बैंकॉक के अंदर, ठीक है, उतरते हो बैंकॉक में आप मतलब एयरपोर्ट में, बैंकॉक शहर में आना है, हॉस्टल में आपको आना, तो कैब का यूज़ मत करना भाई, कैब में बहुत कॉस्टली पड़ेगा आपको। बस चलती है, बस का यूज़ कर लेना। और अपना हॉस्टल में जहाँ स्टे करने वाले हो, होटल हॉस्टल, यहाँ पर पता कर लेना, बात कर लेना कि कौन सा बस जाती है आपके एड्रेस तक, ठीक है। ये पूछ लेना, बस नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे भाई मतलब बिहार से है, मैंने बताया आपको, भाई आए थे कैब से आए थे, ठीक है। तो 800 बाट लगा भाई, ठीक है, 2400 रुपया करीब लग गया, ठीक है भाई को। मैं बस लेके आया था भाई, ठीक है, जो कि बस मेरे एड्रेस तक पहुंचाया मेरे को A4 नंबर है, ठीक है, A4 उसका बस में चलती है। A4 भाई 50 बाट लिया था, ठीक है, जो कि भाई 120 रुपया पड़ा था मेरे को, ठीक है। तो समझ सकते हो 750 बाट ज़्यादा लग गया है कैब लेने चलते। कैब का यूज़ मत करो भाई, ठीक है, बस का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन बस नंबर पता करना बहुत मुश्किल काम होता है यहाँ पे भाई। ऑर्डर जो किया हमने, या भाई आलू देखो, आलू का है, ठीक है। आलू मिलता नहीं है, इंडियन ने कहाँ से ये लोग अरेंज किया पता नहीं, मेरे को दिखता नहीं है यहाँ पे आलू। आलू मटर क्या मैंने 100 बात, यानी भाई 300 रुपये आलू का, ठीक है, मान के चलो। चपाती हो गया आपका ये भाई 10 बात, मतलब 30%। 3 पीस आलू मतलब 90 रुपया, 400 रुपया भाई खाना। ये आलू मटर है जो कि 280 रुपया है, और 3 पीस रोटी है आपका जो कि आपका 28 रुपया पीस है भाई, 380 रुपया कप का खाना है। भाई मैं आपको टूर बता देता हूँ यहाँ पे, टूर का मतलब रेट क्या प्राइस। जैसे कि आपका डामनर शाडुक फ्लोटिंग मार्केट हाफ डे टूर रहेगा भाई, ठीक है। इसका जो प्राइस आपको बता देता हूँ मैं, टाइम पहले 7 बजे सुबह से आपका 1 बजे तक, ठीक है, हाफ डे का टूर रहेगा भाई, ठीक है। आपको ये जगह मतलब पिकअप पॉइंट है, ठीक है, ये आपको पिकअप कराएगा यहाँ पे आपका। इसका जो रेट है भाई 1100 रुपया बात है भाई, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई, करीब मान के चलिए आपका 3,000 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है, आपका बहुत हाई रेट है भाई यहाँ पे। भाई ये अयोध्या ऑन डे टूर है आपका, जो कि 7 बजे से आपका 5 बजे तक रहेगा। इसका प्राइस क्या खा गया पता नहीं क्या है, लिखा हुआ नहीं है। इसका भाई 1350 बात है, ठीक है, ऐसा कुछ है भाई, देख लो आप। Washroom, this down, just you go and right side. All things are yes, yes, right side. तो guys, मैं इस ब्लॉग के यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लाइक करें, चैनल बनाए, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।